दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चे, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम कक्षा 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज नंबर सिस्टम, उसका हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज ऑपरेशन और इंटीजर्स। ओके, ऑपरेशंस की बात करें बच्चे, देयर आर 4 टाइप ऑफ ऑपरेशंस जिन्हें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के नाम से जानते हैं। ओके, और इंटीजर वी ऑलरेडी नो कि आपका क्या होता है, कलेक्शंस होता है नंबर्स का, कौन कौन से नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का और जीरो का। ओके, सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो होता है, इन सारे कलेक्शन को, इन सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम एज अ इंटीजर जानते हैं, एज अ नेम ऑफ इंटीजर जानते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा लास्ट का टॉपिक जो कि हमारा क्या था, सब्ट्रैक्शन था। तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ, बच्चे कुछ पूछना है आप मैसेज कर लो। ठीक है, तो पहले हमने आपको क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है कि अगर 2 साइंस कहीं भी एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे जो हैंड रेज कर रहे हैं उनको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो जहां भी 2 साइन टुगेदर आ रहे हैं तो उनका क्या करते हैं, हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, और मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो प्लस है और माइनस है इन दोनों का होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, या फिर जो नेगेटिव साइन है वो आता है। ओके, और 2 नंबर जो कि पॉजिटिव है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो पॉजिटिव ही रहता है। ओके, तो ये आपका क्या होता है, जब भी 2 साइन एक साथ आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे, सिंगल साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है बच्चा कि हमें क्या करना होता है, हम देखेंगे कि जो आपके 2 इंटीजर्स आए हैं, 2 नंबर जो हैं वो आपका क्या है, सेम उसके हैं, ठीक है, सेम साइन के हैं या फिर डिफरेंट साइन के हैं। ठीक, हमें क्या देखना है कि जो आपके 2 नंबर हैं जिन पे सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो उनका जो साइन है वो सेम साइन है या फिर डिफरेंट साइन है। साइन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बच्चे अगर दोनों का जो साइन है वो सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। सेम सेम का मतलब है अगर दोनों जो नंबर है दोनों प्लस में है या फिर दोनों जो है वो माइनस में, तो हम क्या करते हैं, उन नंबर्स को ऐड कर देते हैं। और बच्चा अगर दोनों जो नंबर आए हैं, दोनों जो इंटीजर्स आए हैं वो एक प्लस का है एक माइनस का, ठीक है, साइन कैसे पता करते हैं, जस्ट बिफोर जो भी साइन आया होता है नंबर से वो नंबर का साइन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन आपको पता ही होगा हमेशा ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर का करते हैं। थर्ड स्टेप आपको क्या देखना होता है बच्चा, थर्ड स्टेप आपको देखना होता है कि आंसर में साइन क्या आएगा। ठीक है, तो बच्चे साइन सबसे पहले आपका जो सेकंड स्टेप है उस पर ही डिपेंड करता है कि अगर हमने दोनों नंबर को ऐड किया है, मतलब 2 नंबर हमारे सेम साइन के थे, तो आंसर का साइन भी वही रहेगा जो कि नंबर का साइन था। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, एज अ नंबर ही उसका साइन रहेगा। अगर दोनों प्लस के साइन को हमने प्लस के नंबर्स को ऐड किया है तो आपका जो आंसर का साइन है वो प्लस आएगा, और अगर हमने दोनों नेगेटिव के साइन वाले नंबर्स को ऐड किया है तो जो साइन है आंसर का वो नेगेटिव ही आएगा। ओके बच्चे, दूसरा आपका क्या है कि अगर हमने जो आंसर निकाला है वो सब्स्ट्रैक्ट करके निकाला है तो जो साइन आएगा आंसर का वो किसका आएगा बच्चा, ग्रेटर नंबर का आएगा। एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा देते हैं, फिर रिकॉल में क्वेश्चन करेंगे। मान लो यहाँ पे दिया गया है 150 और यहाँ पे दिया गया है 130, ठीक है, ये भी माइनस का, तो स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, तो यस, तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 150 और प्लस 130। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे क्या दोनों नंबर का साइन एक जैसा है या फिर अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको देख रहा है ये प्लस का है क्योंकि इससे पहले प्लस का साइन लगा है, इससे पहले माइनस का लगा है तो ये माइनस का है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन 150 में से 130 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 220। ठीक है, फिर हम थर्ड पे जाएंगे कि अगर हमने आंसर सब्ट्रैक्ट करके निकाला है तो जो साइन है आंसर का वो कौन सा होगा, ग्रेटर नंबर वाला, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा, 150, और इसका साइन क्या है, माइनस, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा,
माइनस का 20। ओके बच्चा, सब्सट्रैक्शन में किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से बता दो बच्चे, सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? बच्चा कितने बार हमने आपको समझाया, आपको आपस में बात नहीं करना है। ओके बच्चा, आप क्लास में मुझसे बात करने आए हो ना, मुझसे पढ़ने आए हो, अभी 2-3 दिन में तो स्कूल भी खुल जाएंगे, आपस में बात स्कूल में कर लेना, जब मिलो तब कर लेना। कौन सा वाला बच्चा? देखो क्या बताया हमने आपको, जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उनके 3 सिंपल स्टेप होते हैं। फर्स्ट बार हमें क्या करना होता है कि अगर 2 साइन एक साथ आ रहे हैं तो उनका मल्टीप्लाई करके उसको 1 साइन में बदल लेंगे। दूसरा हमने आपको क्या बताया, फिर हमें ये देखना होता है कि दोनों जो साइन है, 2 नंबर आएंगे ना बच्चा, तो दोनों की जो साइन है वो सेम है या फिर अलग अलग है। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो, ठीक है? अगर वो सेम है, एक जैसे, मान लो दोनों नंबर जो है वो माइनस माइनस के हैं या फिर प्लस प्लस के हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। और वो अलग अलग साइन के हैं, मान लो एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो हम उन्हें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, और लास्ट में आपका क्या आता है, साइन। तो जब हमने ऐड करके आंसर निकाला है, जब हमारे दोनों नंबर सेम साइन के थे तो हमारे जो साइन आता है बिल्कुल वही आता है जो नंबर का होगा। मान लो 2 नेगेटिव नंबर को हमने ऐड किया है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। अगर हमने 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड किया है तो आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। ओके, लेकिन अगर हमने सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाला है तो जो आंसर का साइन रहेगा वो हमेशा कौन सा रहता है, ग्रेटर नंबर वाला। बच्चा म्यूट करो। अगर माइनस के नंबर जो बड़ा है तो माइनस का आएगा और प्लस का है तो प्लस का। ठीक है, चलो फिर हम म्यूट ये मैसेज बंद करते हैं और पोल में क्वेश्चन करेंगे। बच्चा किसी को भी अपना माइक ऑन नहीं करना है, प्रोवाइडेड आपको क्वेश्चन ना हो। आपको कुछ पूछना है तो आप कर सकते हो। आपको कुछ पूछना है बच्चा, आपने हैंड रेज किया है। क्वेश्चन आपका क्या है, -25 में से आपको -140 घटाना है, क्या बच्चे? नहीं पूछना मैम। ओके, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, हो जाए तो आप कर देना, पहले नहीं करना, जल्दी में आंसर गलत नहीं करना है। बच्चा अब स्क्रीन दिख रही है आपको? बच्चा सोच समझ के करेंगे, स्टेप फॉलो करके करेंगे तो सही ही होगा, गलत नहीं होगा। तो स्टेप को ध्यान में रख के ही करना है जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है। ओके, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन एक जैसे ही होते हैं, आपको कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें, रूल भी सेम होते हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चे, और सोच समझ के आंसर करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। अरे बच्चा फैन रेज कर रहे हो, कुछ पूछना है आपको? चलो बच्चा जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है। हैंड रेज आपको तभी करना है जब कोई डाउट हो या फिर परमिशन चाहिए हो माइक ऑन करने की, या फिर कुछ भी ऐसे पूछना है तो आप हैंड रेज करोगे, ऐसे ही ऑन करके नहीं छोड़ना है आपको। है क्या बच्चे आप, मैं मुझे आपकी आवाज बच्चा आप, हाँ मैं मेरे फोन में पोल सेक्शन नहीं आ रहा बच्चे, मे बी नेटवर्क की वजह से नहीं आ रहा होगा। अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी, आप वहां पे आंसर कर देना। ओके, चलो बच्चा जिसके पास फोन आ रहा है वो जल्दी से आंसर कर देगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया। बच्चा आपको नहीं ऑन करना, क्यों कर रहे हो आप बार बार? मैम पोल में आंसर गलती से क्लिक किया गया। कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया तो हो गया, अगले पोल से ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ ना थोड़ा ध्यान से करेंगे।
चलो बच्चा, अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, जल्दी जल्दी करेंगे और आंसर देंगे। मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 6% बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा। चलो, एक के पास बोल नहीं आ रहा, बाकी सबको आंसर करना है, 5 बच्चों को। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं, 5 सेकेंड, जिसने भी आंसर नहीं किया वो जल्दी से कर देगा। फाइव फोर, बच्चा जिसने आंसर नहीं किया वो जल्दी से कर दे। थ्री, बच्चा म्यूट करो। टू, बच्चे जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से करो। ओ, वन। नेक्स्ट क्लास में हम आपके सबके नेम लेके आएंगे, जो आंसर नहीं करते तो उन सबका नेम बोलेंगे हम, ठीक है? तो आपको सारे क्वेश्चन का आंसर करना। बच्चे, आप लोगों ने ये क्यों गलत किया है? इतना सही से तो बताया था मैंने आपको कि आपको स्टेप फॉलो करना। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि 2 साइन आएंगे तो हम 2 साइन को 1 साइन में बना लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लो, सब गलत आंसर दे लो, तो क्या हो जाएगा? -1 25, और माइनस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अरे बच्चे, यहाँ ध्यान दो, आप गलत आंसर दे रहे हो, समझो यहाँ, ठीक है? तब देखो ये प्लस का है या माइनस का है। तो सेकंड में हमने आपको क्या बताया था? अगर टू नंबर डिफरेंट साइन के होते हैं तो क्या होता है? उनका सब्स्ट्रैक्शन होता है। तो 140 में से अगर 125 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 15। ओके, 15 बचेगा ना। अब साइन, तीसरा स्टेप हमने साइन बताया था, तो जब हमने माइनस किया है बच्चा, तो साइन किसका आता है? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर कौन सा है? 140। इसका साइन कौन सा है? जो इसके पहले आया है। तो आंसर में क्या आना चाहिए? प्लस। माइनस क्यों लिख रहे हो आप? माइनस आंसर क्यों आएगा? समझ आया कैसे करना होता है? पहले साइन को एक साइन में बदलो, फिर हमें क्या करना है, अगर डिफरेंट है तो उनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालना है, और लास्ट में आपको साइन। बच्चा, अभी मैंने आपको बताया, हाँ आंसर ये है बच्चा। देखो 140 बड़ा है ना बच्चा, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालते हैं तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, तो माइनस क्यों आएगा? अब नॉर्मली भी देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, 140 -125, तो देखो प्लस में आता है ना आंसर। 140 में से 125 घटा रहे हैं, ठीक है? तो कितना बचेगा? 15 बचेगा, तो आंसर यही होगा। कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है? समझ आया? जिसने आंसर गलत दिया था, जो कि बहुत सारे बच्चे थे, आपको समझ आया आंसर ये क्यों? हाँ क्या बच्चा? जिसने भी गलती करी थी बच्चे, समझ गए? आपका ए आंसर होगा। कैसे निकालना है? स्टेप वाइज निकालना है। साइन को पहले बदलेंगे, फिर हम उनको क्या करेंगे, उनपे ऑपरेशन लगाएंगे, और फिर साइन डिसाइड करेंगे। बच्चा कुछ पूछना है? हैंड रेस करो। चलो बच्चा, आगे बढ़ेंगे हम किसके बारे में? डिवीजन के बारे में। कोई बात नहीं बच्चा, गलती से हो गया, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर में कैसे कैसे डिवीजन किया जा सकता है। हाँ बच्चे, आंसर इज ए, ठीक है? तो सबसे पहले देखो बच्चा, इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो जब हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन होगा तो नंबर आपके डिवीजन में पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी। बच्चा म्यूट करो, ठीक? तो आपको यहाँ पर भी इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बच्चा जिसने भी माइक ऑन किया, ऑफ करो, ठीक है? तो पहले वाले क्वेश्चन आपका क्या है कि जब हम डिवीजन का क्वेश्चन देख रहे हैं तो जो आप जिस नंबर में डिवीजन कर रहे हो वो भी प्लस का है, और जिससे डिवीजन कर रहे हो वो भी प्लस का। ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड टाइप में, क्योंकि हम इंटीजर का कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो आपका क्या होगा?
यहाँ पर हमारे दोनों नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पर जो नंबर जिसमें हम डिवीजन कर रहे हैं और जिस नंबर से डिवीजन कर रहे हैं दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं। एंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बच्चा, कि यहाँ पर या तो आपका जो डिवीजर है जिससे आप क्या कर रहे हो डिवाइड कर रहे हो वो नेगेटिव होगा, बच्चा म्यूट करो, ठीक है, या तो आपका जो कोटेंट है वो भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों में से एक नेगेटिव होगा। ओके, तो ये आपको फोर टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो हम आपको बताएंगे कैसे एक एक करके इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला टाइप हम लेते हैं बच्चे, जब जहां पर दोनों जो नंबर हैं जिनमें हमारा डिवीजन की नंबर जो प्रोसेस हो रहा है वो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो पहला हम देखेंगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखो दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर देखो दोनों नेगेटिव है, और यहाँ पे देखोगे बच्चा क्या बोल रहे हो आप, मैसेज करो ना, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते क्लास को, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चा आप कैमरा और माइक दोनों ही ऑफ करो। मैम यही कह रहा था मैं। अच्छा यही कह रहे थे तुम, ओके। आप लोग अपना माइक कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो, मना किया है ना बच्चे आप लोगों को? हिमांशु की आईडी से कर रखा है मैम। बच्चे नोट करो, आपस में बात नहीं करना आपको। चलो बच्चे आगे देखेंगे हम, हमारा क्या है कैसे क्या? ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी वन ही जो नंबर है वो आपका माइनस में। बच्चे अच्छा लगता है, ये कोई प्लेग्राउंड थोड़ी ना है कि जो गेम पसंद है वो करोगे। क्लास है सम रूल्स ना, यू हैव टू फॉलो देम, यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट और यू लाइक, इट्स नॉट अ प्लेग्राउंड। ओके चलो बच्चे, तो पहला हम देखेंगे बच्चा, पहला आपको देखो, तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, जहां पर हम टू जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में, ओके यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी, ज्यादा नंबर है तो यहाँ पर समझेंगे आप। देखो यहाँ पर देखो बच्चा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चा, कि आपका ये वाला नंबर है इससे डिवीजन होगा, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नंबर का डिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है बच्चा, जो डिवीजन के साइंस होते हैं ना बच्चे, वो बिल्कुल आपके मल्टीप्लाई जैसे ही होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता था कि टू नंबर अगर वो प्लस के हैं उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर प्लस में ही आता है। बच्चे आंसर नहीं बताना आपको, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तो आपका क्या है बच्चा, कि अगर सेम यहाँ पर जो हम डिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर भी दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो आंसर भी प्लस का ही आता है। आई रिपीट, यहाँ पर भी जो सारे साइन है वो बिल्कुल कैसे रहते हैं, मल्टीप्लाई के जैसे ही रहते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में होता था ना कि टू नंबर प्लस के हैं तो वो क्या रहता था, उनका आंसर भी प्लस में आएगा। सेम यहाँ पर अगर हमारे टू नंबर जिनका डिवीजन प्रोसेस हो रहा है जिन पे, वो आपका क्या है, वो प्लस के हैं, तो आंसर भी प्लस का ही आएगा। सेकेंड देखो बच्चे, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वहां पर कौन सा केस ले रहे हैं, जहां पर दोनों इंटीजर जो हैं वो नेगेटिव के हैं, ठीक है। दोनों इंटीजर जो हैं वो क्या है, नेगेटिव है। इस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, ये भी आपका मल्टीप्लाई जैसे, बताओ जब हमारे दोनों नंबर नेगेटिव के होते थे मल्टीप्लिकेशन में तो क्या आता था, जल्दी से आंसर करो। अगर दोनों नंबर हमारे माइनस के होते थे तो आंसर किस में आता था, मल्टीप्लाई में किस में आता था बच्चा, सारे बच्चे बताओ। प्लस। बच्चे आपको मैसेज में बोलना है बच्चा, रोशन कह रही से बच्चा माइनस में थोड़ी ना आता था, प्लस में आता था। माइनस तो सिर्फ जब एक होता था तब माइनस में आता था, सबको पता ना प्लस में आता था, क्योंकि ये वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को कट कर देता था। ऐसे ही यहाँ पर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवीजन लिखने का एक तो ये तरीका होता है और दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरह से भी हम डिवीजन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चा। तो क्या होता है बच्चा, ये वाला जो माइनस का साइन है ये इस वाले को काट देता है, ठीक है, कट कर देता है। तो क्या हो जाएगा, 10 और 5, ये देखो बिल्कुल पॉजिटिव जैसे हो गया ना, तो अब क्या हो जाएगा, 10 का डिवाइड 5 का डिवाइड करोगे 10 में, 2 आ जाएगा, ठीक। तो या तो आप
साइन किससे याद रख सकते हो? उससे मल्टीप्लाई. बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दो, या तो आप मल्टीप्लाई से याद रख सकते हो या ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं, तो आंसर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा. तो बच्चा एक तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमारा क्या होता है, दोनों नंबर का साइन एक जैसे होता है, ठीक है? अगर जो साइन है टू नंबर्स का वो एक जैसे होता है, तो आंसर हमेशा प्लस आता है, चाहे वो प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो. बच्चा कुछ डाउट है पूछ लो, तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा. अब देख लेते हैं अगर अलग अलग है तो क्या आएगा. तो सबसे पहले बच्चे आप इस तरह लिख लो इसको, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो. इसका भी यही मतलब है कि 5 का डिवीजन 10 में करना है. तो पहले हम क्या करते हैं बच्चे, नंबर का डिवीजन कर लेते हैं. तो 5 का 10 में दोगे कितने बार जाएगा? 2 बार. अब ये जो माइनस है बच्चा, क्या ये किसी से कट हो रहा है? क्या इसको कट करने के लिए और कोई माइनस है? नहीं. तो ये क्या करेगा? ये तो कट होगा नहीं, तो ये क्या करेगा? आंसर में चला जाएगा, ठीक? क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है ना, कि 5 का डिवीजन 10 में किया है, 2 आ गया. इसको तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ तभी कट हो सकता है जब एक और माइनस होता, जो कि यहाँ पे है नहीं. तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा, तो वो आंसर माइनस का 2 हो जाएगा. सेम बच्चा इसमें भी ऐसे ही होगा. यहाँ पे देखो क्या है, 10 और 5, ठीक है? तो हम इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं कि 5 का 10 में देना है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2. अब ये जो माइनस है बच्चा, वो तो किसी से कटने वाला, अगर ऊपर माइनस होता तो आपस में ये कट हो जाते हैं, ठीक? सिंगल माइनस है तो कट नहीं होगा, तो कहाँ रहेगा? आंसर में रहेगा, ठीक है बच्चे? ये वाली बात समझ आए? तो आप क्या कह सकते हो बच्चे, कि जैसे आपका हाँ हाँ मल्टीप्लाई में होता था ना, कि वन माइनस रहता था, वन प्लस रहता था, तो आंसर माइनस में होता था. सेम आपके डिवीजन में वैसा ही होता है, कि एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता, ठीक है? दूसरे तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि जब हमारे डिफरेंट साइन के दोनों नंबर होते हैं, तो आंसर जो है वो निगेटिव में ही आता है, ओके? और ऐसे भी याद रख सकते हो कि इस माइनस को कैंसिल करने के लिए कोई और माइनस तो है नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? वो कैरी फॉरवर्ड होगा और आंसर में जाएगा. इतना समझ आया बच्चा? जल्दी से बता दो, ये सारी चीजें समझ आए? कुछ भी पूछना है यस तो बच्चा मैसेज करो, ठीक है? कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. ओके, अगर समझ आया है तो आप ये ट्राई करोगे, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करो. हाँ बोल नहीं बच्चा, पहले क्वेश्चन और भी तो ट्राई कर लो. डायरेक्ट पोल में करेंगे तो आप लोग गलती भी इतनी करते हो ना. लास्ट वाला क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा गलत किया था आप लोगों ने. चलो बच्चा ट्राई करेंगे, दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे. जल्दी से ट्राई करो बच्चे, दोनों का आंसर आपको देना है. मैम ओके जी बच्चे, आवाज नहीं आ रही। हाँ क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिए करने को, इसीलिए नहीं आ रही आवाज. ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको बता देती हूँ. नहीं आ रही। बच्चे मैं बोल ही नहीं रही थी, तो आवाज कैसे आएगी? आप आ रही है? हाँ जल्दी से दोनों का आंसर करेंगे, फिर मैं आपको समझा. ओके,
पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा, आपको करना है पहले हम डिवीजन कर लेंगे, कितने बार जाएगा, टू बार। अब यहां से हम देखेंगे कि टू बार हो गया। अब ये देखो यहाँ पर आपका एक ही माइनस है, दूसरा तो है नहीं, तो ये तो कट होगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, आंसर में जाएगा, ओके। और वैसे भी याद रख सकते थे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा, ओके। दूसरे वाले देखेंगे बच्चे, तो दूसरे वाले में सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो ये वाला माइनस इससे कट जाएगा, क्योंकि टू माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में भी यही होता है, ठीक है। फिर नाउ यू कैन डिवाइड 27 बाय 9, तो कितने बार होगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 3, या फिर आप कह सकते हो प्लस का 3, चलो बच्चे अब ये वाला ट्राई करेंगे। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किसी को आइडिया है, बताओ जल्दी, किसी को आइडिया है, सबको आइडिया है, वेरी गुड। अगर हम देखें कि 1 किलोमीटर जो है उसमें कितने मीटर होते हैं, तो होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। तो जब भी हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ठीक है। जब हमें क्या करना है, किलोमीटर से मीटर में करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक। और मान लो हमें उल्टा करना है, हमें क्या करना है, हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, समझ आया। जब हम क्या करना होता है, जब हम किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और जब हमारा हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, तो हम 1000 नंबर का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है, जब हम स्मॉलर नंबर से हमें ग्रेटर नंबर में बदलना, ठीक है, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में बदलना हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, ओके। और जब हमें ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ओके बच्चा, लाउड बोलूंगी मैं, ठीक है, स्पीक लाउड, हाँ हाँ मैं वही कह रही हूँ, लाउड बोलूंगी मैं, ठीक है। मैं क्या बोल रही थी कि जब हम स्मॉलर से ग्रेटर में करते हैं, जैसे जो आपका मीटर है वो स्मॉलर है ना, छोटी क्वांटिटी है, और किलोमीटर है वो बड़ी क्वांटिटी है, तो जब हम स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम मीटर से किलोमीटर में बदलेंगे, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ओके। लेकिन जब हम ग्रेटर से स्मॉलर में बदलेंगे, जैसे अगर हम बदल रहे हैं कि हमारा जो किलोमीटर है उसको मीटर में बदल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 1000 का। नहीं नहीं बच्चा, यहाँ हमें क्या करना है, हाउ मैनी मीटर आर देयर इन 20,000 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलना है, देखो किलोमीटर लार्जर है ना, ग्रेटर होता है, और हमें ग्रेटर से स्मॉलर में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से बताओ, जब हमें किलोमीटर से मीटर में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे। यहाँ पे आप लिख भी लो, ऊपर लिख लो, जब हम किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, इसको लिख लो। और जब हम मीटर टू किलोमीटर चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सॉरी डिवाइड करते हैं 1000 से, डिवाइड बाय 1000। जल्दी से ये कॉपी कर लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सबको बताए क्या करना है, देखो यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें क्या करना है, 20,000 को, जो कि किलोमीटर में है, मीटर में बदलना है, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है
उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. ओके, यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो थे, 3 ऐड हो जाएंगे, 7 जीरो हो जाएंगे. तो 2 करोड़ आपका जो है वो आंसर होगा, 2 करोड़ मीटर. इतनी बात समझ आए बच्चे? ठीक है, समझ आए? जल्दी से बता दो बच्चा, समझ गए? आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. कोई बात नहीं बच्चे, समझ गए ना? लक्ष्य. ओके बच्चे, ओके आगे बढ़ेंगे फिर बच्चे. हम ये साइन कॉपी कर ले, मतलब एक बार रिवाइज करा देते हैं. वन सेकेंड, हमने आपको क्या बताया था, अगर दोनों नंबर आपके प्लस में होते हैं तो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा. दोनों नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 3 है माइनस का, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला बच्चा मत कर लो, ये वाला माइनस ये वाले से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो प्लस में ही आएगा. ठीक है, लेकिन बच्चे अगर सिर्फ एक ही माइनस है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो या चाहे वो आपका कहाँ पे हो, ऊपर हो या नीचे हो, मतलब किसी भी नंबर में हो, ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल तो होता नहीं है, तो ये क्या जाएगा, आंसर में चला जाएगा. ओके, तो ये इसके आंसर जो है वो किस में होते हैं, नेगेटिव में होते हैं. इतनी बात सबको समझ आ गई? पोल में क्वेश्चन करें आप. रिकॉर्डिंग भेजो ना जी. हाँ भेज देंगे बच्चों को, तो हमारा रोज ही भेजेंगे. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? किसी को कोई डाउट है पोल में क्वेश्चन? मैं रिपीट करना क्या बच्चा? देखो मैंने क्या बताया, अगर दोनों नंबर जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा. दोनों नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आंसर प्लस में आता है. लेकिन अगर एक ही नेगेटिव है दोनों नंबर में से, तो वो तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा, वो आंसर में आ जाता है डायरेक्ट. ओके, चलो बच्चे फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, मैसेज ऑफ कर देंगे अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो. क्वेश्चन क्या है, माइनस का 81 है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 9 से. मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आपको ध्यान से करना है, साइन गलत नहीं करना. एक हिंट ये भी है कि इसके साइन बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन जैसे ही होते हैं, तो आप डिवाइड करना. अच्छा म्यूट करो, मैंने पोल ऑन कर दिया है, आंसर पोल में करेंगे. रियली बेटा, जल्दी में आंसर क्यों गलत करते हो, मतलब यू मीन टू से कि जब 9 से आप 81 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा. चलो बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दी में गलत नहीं करेंगे. क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देती हूँ. माइनस 81 में हम माइनस के 9 से डिवाइड कर रहे हैं. चलो बच्चे सारे बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी मोर देन 10% हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया. बच्चा जल्दी से कर देंगे. जल्दी जल्दी करो बच्चा आंसर. जिसने भी आंसर नहीं किया है हम आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर दो. क्वेश्चन क्या है, माइनस का 81 में हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस के 9 से. अभी भी 6-7 बच्चे हैं बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर दो. थोड़ा टाइम हम आपको और दे रहे हैं, जो भी 6% बचे हुए हैं जिन्होंने अभी आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे. फर्स्ट
फाइव सेकेंड देते हैं हम आपको, फाइव तक काउंट करेंगे, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर देगा। फाइव फोर, बच्चे अभी भी फाइव बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करो। फोर थ्री थ्री, अरे बच्चा आपको नहीं करना काउंट, हम करेंगे काउंट। टू और वन, तो हम मना करें काउंट करने को, तो क्यों कर रहे हो, क्यों करो। कुछ लोग बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलत भी दिया। बच्चा आपको क्यों लगता है कि हम 81 में डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 या 9 आएगा? चलो माइनस 9 का तो समझ भी आता, बच्चा म्यूट करो ठीक है, लेकिन आप 8 और 10 क्यों आंसर दे रहे हो? डिवीजन तो सही करते बच्चे। देखो क्या था क्वेश्चन, 81 डिवाइड बाय माइनस 9 ठीक है। तो जब हम क्या करते कि बच्चा क्यों ऑन कर रहे हो माइक, तो हम क्या करते हैं बच्चा 9 का 81 में डिवाइड करते हैं सबसे पहले ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 9 बार। तो दो बच्चे हैं जिन्होंने 8 आंसर दिया है, 10 आंसर दिया, बच्चे क्यों होगा? 8 और 10 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 9 बार ही डिवाइड होगा। चलो माइनस 9 का भी समझ आता है कि साइन में कंफ्यूजन हो गया, पर आपने 8 और 10 क्यों आंसर दिया है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करने पे 9 आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, अगर दोनों के साइन एक साथ होते हैं, एक से होते हैं, तो क्या हो जाता है, कट जाते हैं ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचा, कुछ माइनस तो बचा ही नहीं ना, और या तो आप 9 लिख सकते हो, प्लस का 9 लिख सकते हो। कुछ पूछना है बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज किया है, समझ आया जिसने भी गलत किया था, जल्दी से बताओ बच्चा समझ आया। मैम आंसर सी है। नहीं बच्चा, आंसर ए है, प्लस का। देखो दोनों में नेगेटिव है ना बच्चे, कट जाएगा ना, एक नेगेटिव से दो नेगेटिव, मतलब दूसरा नेगेटिव, तो आंसर तो प्लस में आएगा। जिसने गलत किया था वो समझा बच्चे, अब जिसने डिवीजन गलत किया था वो तो आपने गलती से कर दिया होगा। साइन का आप समझ लो कि जब भी दोनों प्लस में होते हैं ठीक है, दोनों नंबर प्लस में होंगे तब भी प्लस में आंसर आता है, और दोनों नेगेटिव में है तब भी आंसर प्लस में ही आता है, दोनों में प्लस आता है। नेगेटिव सिर्फ तब आता है जब एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर उसका नेगेटिव का। ओके चलो आगे क्वेश्चन करेंगे। तो साइन का ध्यान रखेंगे बच्चा और आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, माइनस का 65 है जिसमें हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। पोल में ऑन कर रही हूँ, आप जल्दी से कर लेंगे और आंसर पोल में देंगे, और सबको पोल में आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन में 2% ने तब भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो सबको ही करना है बच्चे। ओके वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही दिया है, सबको सही देना। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे हैंड रेस करो, आप रुक जाएंगे, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी तो आप ले सकते हो। बच्चा माइक ऑन नहीं करना है आपको। ओके अभी भी ओके, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे। अच्छा आपने हैंड रेज कर रखा है, अभी हम मैसेज ऑन करेंगे, आप वहां पर बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो। अच्छा म्यूट करो, ऑन नहीं करना, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चे। अभी भी मोर देन 10% हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चा, सबको आंसर करना है। अच्छा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। क्वेश्चन आपको पता है क्या है, माइनस 65 में हमें 13 से डिवाइड करना है जो कि प्लस का। अच्छा आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, थोड़ा सा रुकेंगे, मैं अभी मैसेज ऑन करूंगी तब आप वहां पर पूछ लेना।
थोड़ा सा टाइम हम और दे रहे हैं बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दे। अभी भी 6% हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा, सबको आंसर करना है। अच्छा ये क्या चल रहा है, हम रिमूव कर देंगे और फिर मैं पूरी क्लास में ऐड नहीं करने दूंगी आपको। म्यूट करो। ठीक है मैं 5 सेकंड देती हूँ, फिर मैं पोल ऑफ कर दूंगी और आगे करेंगे। 5, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर दो। 5, 4, 3 बचे, अभी भी 5 लोगों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से करेंगे। 2 और 1। ठीक है, अब जिसने आंसर नहीं किया है वो मैसेज में आंसर कर सकते हैं। बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, क्या डाउट है आप मैसेज में लिख सकते हो। देखो क्या था बच्चे, 65 और 13, तो हमने आपको क्या बताया था, इसको इस तरह लिख लिया करो। तो 16 का क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 13 का डिवाइड करोगे 65 में तो 5 आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है बच्चा वो तो किसी से कटेगा ही नहीं ना, तो ये कहाँ जाएगा, आंसर में जाएगा, तो -5 आंसर होगा। प्लस का क्यों होगा बच्चा, एक क्यों कह रहे हो? देखो सिर्फ एक माइनस होता है तो ये यहाँ आ जाता है ना साइन में, तो ये माइनस होता तब सही होता, तो ये तो सही नहीं है, ये वाला सही है। ओके आपको क्या याद रखना है, जब 2 माइनस आ रहे हैं या एक भी माइनस नहीं आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एक माइनस आ रहा है चाहे वो ऊपर आ रहा हो चाहे गलती से क्या लिख रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, अगर चाहे वो डिनोमिनेटर में आ रहा हो, चाहे हम उस संख्या में आ रहा हो जिससे हमें डिवाइड करना है, चाहे उस संख्या में आ रहा हो जिसमें डिविजन होना है, हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा। ओके बिल्कुल मल्टीप्लाई जैसे ही है बच्चा, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चलो बच्चे आगे क्वेश्चन करेंगे हम एक और। क्वेश्चन क्या है, आपको 1080 में डिवाइड करना है माइनस के 12 से, चलिए करेंगे बच्चे और इसका आंसर पोल में करेंगे। सबको आंसर करना बच्चा और सोच समझ के करना है, गलत नहीं करना जल्दी में। देखो अभी जल्दी में आंसर देने का नतीजा ये होता है ना, गलती से गलत कर दिए हो तुम, साइन भी नहीं देखा। क्वेश्चन क्या है कि आपको 1080 में डिवाइड करना है माइनस के 12 से। yes, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। बच्चा डिवीजन करेंगे पहले नंबर्स का, फिर साइन पे ध्यान देंगे। एटलीस्ट डिवीजन तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, साइन अगर हो भी गया तो। चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट समझाएंगे क्लॉक का। जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा आई एम वेटिंग, जल्दी से करेंगे। अभी भी 8% बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जल्दी करेंगे फिर क्लॉक का कंसेप्ट सीखेंगे।
अच्छा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो, मैं 5 सेकेंड दे रही हूँ, 5 तक काउंट करूंगी मैं, आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2। बचा जिसने नहीं किया जल्दी से कर दो, और 1। अच्छा आप लोग डिवाइड क्यों गलत कर रहे हो? चलो साइन साइन पढ़ा रहे हैं ना, मेन चीज हमारा साइन का बताना है। आप लोग डिवाइड भी गलती कर रहे हो। देखो 12 का डिवीजन करना है हमें 1080 में, ठीक है? तो 12 में कितनी बार जाएगा? 9 बार, ठीक है? और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप 80 क्यों आंसर दे रहे हो? बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर दिया है, ये भी आंसर दिया है, जब डिवीजन पे ही 90 आ रहा है तो आप 80 आंसर क्यों ही दोगे? कोई बात नहीं बच्चा, गलती से किया है कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के आपने किया है तो ये बहुत गलत बात है बच्चा। आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के करना है, जल्दी में गलत नहीं करना है। देखो कराएंगे, कंसेप्ट तो सिखा दे पहले बच्चे। तो अब देखो यहाँ पर एक ही साइन था ना, ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आगे आ जाएगा। इसका पूरे का हमने डिवीजन कर लिया, क्या आया? 90। अब एक साइन था, ये आगे आ जाएगा, तो 90। हाँ यू शुड, यू हैव टू ड्रिंक वाटर ऑल द टाइम्स, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड। हाँ ये भी है। चलो बच्चे देखो नेक्स्ट हम हमारा कंसेप्ट आपको सिखाते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। अरे यहाँ पे आ जाओ वापस। नेक्स्ट हम क्लॉक का कंसेप्ट सिखाते हैं आपको। अच्छी आ तो रही है मेरी स्क्रीन? क्लॉक में अगर हम देखें तो हमारे 3 चीज जो होती है मेन होती है। पहला आपका क्या होता है? आर। दूसरा क्या होता है? मिनट्स। और तीसरा क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, नहीं सुनो अभी, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें कन्वर्जन स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता होगा 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? जल्दी बताओ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। 60। वेरी गुड, सबको पता है बच्चा कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं 5 आवर में कितने मिनट होंगे तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं 5 आवर्स में कितने मिनट होंगे तो आप क्या करोगे? 5 into 6। अच्छे मैसेज करो, देखो सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर हम देखें बच्चा कि हमें क्या करना है, मिनट से सेकंड में बदलना है। ठीक है, मिनट से हमें सेकंड में बदलना, तब भी आपको पता है क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपका 60 सेकेंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। अगर सेम मैं 5 मिनट पूछती आपसे तो आप क्या करते, आप 60 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? अब उल्टा देखते हैं। ठीक है, अब उल्टा देखने का मतलब है कि जब हमें क्या करना होता है बच्चा, हमें मिनट से आर में चेंज करना होता है। जब हम मिनट से आर में चेंज करते हैं तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना बच्चा। तो हम क्या करेंगे, अभी भी हम 60 का ही यूज करेंगे, नंबर हमारा 60 ही होगा, लेकिन अब हम डिवाइड करेंगे। अभी हमने आपको बताया ना कि जब हम क्या करते हैं, स्मॉलर से, मतलब ये आपका स्मॉलर यूनिट है, ये आपका ग्रेटर यूनिट है, तो हम जब स्मॉलर से ग्रेटर में बदलते हैं तो हमेशा डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 180 मिनट में कितने आर होते हैं, ठीक है, तो जल्दी से बताओ 180 मिनट में कितने आर होते हैं? अरे नहीं, पहले सुन के जाओ, नॉट गुड नाइट। ठीक, जल्दी बताओगे बच्चा? 3 होते हैं, सबको पता है। क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे जब भी हमें ग्रेटर वाले नंबर को या फिर स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में बदलना है, डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, 60 का। सेम अगर हम क्या करते हैं बच्चे, सेकंड से
मिनट में बदलते, ठीक है, सेकंड से मिनट में बदलते, तब भी हम क्या करते हैं बच्चे, 60 से ही डिवाइड करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम, 60 से ही डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछती 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तब भी आपका आंसर क्या होता, अच्छा हम पढ़ा रहे हैं ना अभी, ऐसा नहीं करते, पढ़ो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं और आंसर आपका क्या आ जाता, 3 आ जाता। समझ आया बच्चा ये कि जब हम आर से मिनट में या फिर मिनट से सेकंड में चेंज करते हैं। बच्चे आपको होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी सुन लो, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम फिर जा सकते हो। तो आर से मिनट में बदलना है या फिर हम मिनट से सेकंड में बदलना मल्टीप्लाई, बच्चा म्यूट करो और शांति से सुनो। और नेक्स्ट अगर हम क्या करेंगे स्मॉलर यूनिट से, जैसे मिनट से आर में बदलना है या सेकंड में मिनट में बदलना है, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चा, चलो अब जल्दी से लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड ऑन, फिर यू कैन गो, लेकिन यू हैव टू वेट 2 मिनट्स, अभी 2 मिनट्स तो है ना, ठीक है, जल्दी से करेंगे लास्ट क्वेश्चन बच्चा। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई बात नहीं बच्चा, अभी जो क्वेश्चन है आप ये करो, आपको क्या करना है 1200 जो मिनट है उसमें कितने आर होते हैं ये पता करना। हम अभी ऐसा कुछ बता भी नहीं रहे बच्चे, बस ये है। आप ना एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना या मुझसे पूछ लेना अभी रुक के। ओके मैम। चलो बच्चा इसका आंसर करेंगे पोल में, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करेंगे फिर ही जाएंगे, ठीक। और सबको जो होमवर्क भेजना है वो मेरे नंबर पर भेजना है मोबाइल पे, जो 002 होगा लास्ट में दीपिका के नाम से, तो आपको उस पर होमवर्क भेजना है आज। चलो बच्चा जल्दी जल्दी करेंगे और सारे बच्चे सही आंसर देंगे, जल्दी में गलत नहीं करना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो सबको आंसर करना है। क्वेश्चन है कि आपको 1200 मिनट को आर में चेंज करना, आर्स में, चलो बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, जल्दी जल्दी करेंगे, एज फास्ट यू कैन डू यू कैन गो। ओके तो जल्दी करेंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बच्चे और बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके अभी भी मोर देन 10% बचे हैं, नाउ इट इज ओनली 8, जो 8 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो बच्चा, थोड़ा सा टाइम हम और दे रहे हैं आपको। बच्चा म्यूट करो, बच्चा जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से करो, अभी भी 6-7% हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड दे रही हूं मैं बच्चा, जल्दी से कर देंगे। 5, जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से कर दो बच्चा। 4, 3, बच्चे जो बचे हैं वो आंसर कर दें। 2 और 1, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक, जिसके पास पोल नहीं खुला था वो यहाँ आंसर दे सकता। जल्दी से सुन लेंगे बच्चे, क्या था बच्चा कि यहाँ पर हमारा 1200 मिनट्स थे, हमें आर में चेंज करना था। अभी हमने बताया था कि जब हम मिनट से आर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या करना था, डिवाइड करना था। बच्चा डी क्यों होगा, हमें 60 से डिवाइड करना था, मिनट से आर में चेंज करना है तो डिवाइड कर लो, तो 60 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 2 बार, 120, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आगे हो जाएगा, तो 20 आंसर आएगा। ओके बच्चा समझ आया, किसी को डाउट है तो पूछ सकते। 60 क्यों होगा बच्चा, 60 से हमें डिवाइड करना है, 60 आंसर नहीं होता। जब भी हमें आर में निकालना है मिनट से तो हम 60 से डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें मिनट से आर में निकालना होता है तो हम डिवाइड करेंगे, और उल्टा करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नए बच्चे होमवर्क ले लो जल्दी से। हाँ बच्चे मैं अभी आपको भेज दूंगी आंसर।
आपका जो क्वेश्चन है बच्चे, जो होमवर्क है वो 11.1 और 11.2 है, ठीक है? आपने जो क्वेश्चन भेजा था मैम, होमवर्क तो ले लो बच्चे। चलो बच्चा, फिर आज यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे।